How are you all? I am Isha, teacher from Ashwamedh Vidyalaya. We have started chapter number 13, The Longest Step. In our maths book, we have seen 1 meter. Meter कब का 1 meter equal to 100 centimeter. सबसे scale में जो हम मापते हैं वो है 100 centimeter. फिर कपड़े के लिए जो लंबी scale use करते हैं उसे बोलते हैं meter. फिर जब हम रास्ता मापने के लिए काम आता है वो होता है kilometer, right? See centimeter, मीटर एंड किलोमीटर. सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. फिर हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप किया था. हमने देखा था कि जब फिंगर्स से जब आप मापते हो ऐसे 1 2 3 4. अभी ये देखो, ये आपकी बुक है ना, 4 फिंगर, 4 4 और 4. यानी कि कितनी बार 4 आया? 4 4 16. 4 4 4 4 यानी कि 16 फिंगर का है. मगर अगर हम हाथ से मापेंगे तो एक हाथ जीता है, है ना, एक हाथ और उससे ज़्यादा. 1 hand and 2 finger, है ना, 1 hand span and 2 finger. ये होता है फिंगर्स. फिंगर से काउंट करना ऐसे. ये होता है हैंड स्पेन. ये होता है क्यूबिड. ऐसे करके हम क्यूबिड मापते हैं. सी फुट, हम पैर से ऐसे ऐसे करके चलते हैं उसे हम फुट बोलते हैं. और ये पेस, यानी कि नॉर्मली हम ऐसे ऐसे चलते हैं उसे बोलते हैं पेस. ठीक है, हमने इसके रिलेटेड मैथ द फॉलोइंग किया था कि नहीं? यस, हमने इसके रिलेटेड मैथ द फॉलोइंग भी किया था. कैसे किया था देखिए ज़रा. सी हमने ऐसे किया था ना, देखो मैथ द फॉलोइंग. यस, ये भी हम एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपको. फिर हमने और क्या किया, हमने लाइन ड्रॉ किया था, है ना. सी लुक हियर, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सेंटीमीटर्स. क्या करना है हमें, लाइन ड्रॉ करना है सेंटीमीटर का. हमने किया था ना कल, यस, 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का स्केल को माप के हमने किया था. ठीक है, नाउ गैस द डिस्टेंस. आज हम करेंगे गैस द डिस्टेंस. ठीक है, नाउ लेट्स सी गैस द डिस्टेंस. टेबल, अभी टेबल कितना साइज का होगा? हैंड, यहाँ पे देखो दिया गया है हैंड स्पेन, फिंगर, क्यूबिड और फुट, अलग अलग टाइप का हमें दिया गया है. तो हम काउंट करें टेबल कितना का होता है. 1 2 3 4 5 6. हमारी स्कूल में जो टेबल है वो 6 हैंड स्पेन की है. ठीक है, नाउ विंडो. विंडो जो है वो कितने हैंड स्पेन की होगी? विंडो जो है वो आश्रय, ये आश्रय है, हाँ, आप माप के भी लिख सकते हो, 9 हैंड स्पेन की होगी. पेंसिल, पेंसिल अभी मेरी छोटी है, देखो ये देखो पेंसिल छोटी है, लेकिन अगर इसे हम मापेंगे तो 1 2 3 4 5 6. मेरी पेंसिल तो 6 की ही है. वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड जो है वो 4 क्यूबिट का है. सी ऐसे ऐसे करके माप सकते हो आप, है ना, क्यूबिट का है. बैग, बैग जो है वो 4 हैंड स्पेन, यानी कि 1 2 ऐसे करके 4 हैंड स्पेन का है. क्लासरूम लेंथ 20 फुट स्पेन. अभी हम पैर से चलेंगे तो 1 2 3 ऐसा करके चलेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, तो हमें 20 फुट मिलेगा. बॉटल 2 हैंड स्पेन. बॉटल जो हमारी पानी की है वो किसी किसी की 2 की होगी, किसी किसी की 1 की होगी. यस, फिर नाउ अब हम ये चीज़ें मापेंगे. ठीक है, क्या मापेंगे हम? ये पेंसिल वगैरह सब सेंटीमीटर में काउंट करेंगे. ठीक है, सी मैं स्केल लेके आई हूँ, देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ना. सी ओके, पेंसिल, पेंसिल यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो अब पेंसिल को ऐसे करके हम ऐसे रख देंगे, देखो सी ये है मेरी पेंसिल और यहाँ पे आया ये 10 सेंटीमीटर की मेरी छोटी पेंसिल है. आप लोग आपकी अलग पेंसिल लिख सकते हो. ठीक है, अब इरेजर, इरेजर को देखो ऐसे ऐसे मापो, ऐसे मापना है. ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का है इरेजर. ठीक है, फिर बुक,
ये है हमारी बुक, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर हुआ और बाद में और 15 से और 1, तो 18 सेंटीमीटर की है ये मेरी बुक, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अब कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स, सी अब कंपास तो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास पाउच है, तो हम पाउच मापेंगे। देखो ये देखो, इधर से ऐसे पाउच को रख देना है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से वापस, तो 15, यहाँ पे 5 आया, देखो 5 पे आया ना, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर का। अब पेन, राइट, मैं यहाँ पे पेन की जगह मार्कर पेन मापती हूँ, ठीक है, आप पेन भी माप सकते हो, देखो ऐसे, सी 13.5, सी देखो यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे आया 13.5 सेंटीमीटर। सो किड्स, वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू योर वर्क रेगुलरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।